यह कहानी है काली जुबान वाली औरत की। यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। इस कहानी को हमें सुरेश जी ने भेजा है। मित्रों, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं, हम आपकी कहानी लोगों को सुनाएंगे। अगर लोगों की आपकी कहानी पसंद आती है और लोग उस पर कॉमेंट और लाइक करते हैं तो आपको एक गिफ्ट दिया जाएगा। मित्रों, यह सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। भूत, प्रेत, पिचास, डाकनी, ब्रह्म डाकनी, डाइन, जोगिन, इन सब की कहानी गाँव से शुरू होती है और शहरों तक जाती है और अंधेरे सनसनी को चीरती हुई लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती है। हम आज ऐसी ही कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जो सच्ची घटना पर आधारित है। कहते हैं कि यह बहुत पुरानी समय की कहानी है। उस समय में लड़कियों की कम उम्र में शादी हो जाया करती थी। छोटी उम्र में लोग शादी कर दिया करते थे, परंतु उनका जो दुरागमन होता था, विदाई होती थी, वह 18 से 20 साल की उम्र में की जाती थी। यह कहानी है एक लड़की की जिसकी कम उम्र में शादी कर दी गई। शादी करने के उपरांत उसे वहीं रख लिया गया। उसे 16 वर्ष की आयु में विदा करना था। उस समय वह लड़की घर से बाहर खेलने के लिए निकली। संजोगवश उसे एक कुत्ते ने काट लिया। उसने गुस्से में उस कुत्ते को कह दिया कि यह मरता क्यों नहीं, मर क्यों नहीं जाता तू। दूसरे दिन संयोगवश वह कुत्ता मर गया। लोग जो सुन रखे थे, देख रखे थे इस घटना को, उन्हें थोड़ा सा विचलित फील हुआ और थोड़ा सा अलौकिक फील हुआ। उन्होंने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की ने कहा कुत्ता मर जाए और वह मर गया। हो सकता है किसी ने कुछ खिला दिया हो, तो लोगों ने इस बात को टाल दिया। परंतु कुछ दिन बाद उसके घर में ही थोड़ी सी अनबन हो गई। अपने घर में अनबन के कारण उसने अपनी ही बहन को, छोटी बहन को कह दिया कि तुझे आग नहीं लग जाती। संजोगवश उसी दिन एक खलिहान में आग लगी और उस आग के चपेट में उसकी छोटी बहन आ गई और वह झुलस गई। काफ़ी इलाज के बावजूद भी वह बच नहीं पाई और उसकी मृत्यु हो गई। लोग डरने लगे, खौफ पैदा हो गया लोगों के दिलों में कि कहीं इसकी जुबान काली तो नहीं है। उस लड़की के परिवार वालों ने आनंद फानन में उसे विदा कर दिया। कुछ दिन ससुराल में भी ऐसी घटना घटती रही। ससुराल वालों ने उसे मंदिर ले जाकर उसका इलाज शुरू कर दिया। पूजा पाठ, हवन आदि होने लगे। लड़की भी समझ गई कि हो सकता है मेरी जुबान काली है और मैं जो बोल देती हूँ वह घटनाएं घट जाती है। वह यह सोचकर चुप हो गई कि अगर मैंने कुछ कहा तो मेरे परिवार में कुछ बुरा हो सकता है। तब से लेकर वह औरत बहुत चुपचाप और गुमसुम रहने लगी। मित्रों, कहानी कैसी लगी आप हमें अवश्य बताइएगा। अगर आपके पास कोई सच्ची कहानी है तो हमें अवश्य लिखिएगा, हम आपकी कहानी लोगों को सुनाएंगे। लोगों को अगर आपकी कहानी पसंद आती है और सच्ची घटना पर आधारित है तो हम आपको एक गिफ्ट देंगे। मेरी वीडियो को देखते रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों से भी सब्सक्राइब करवाइए। और जिसके पास यह कहानी है उसे अवश्य कहिए, अपनी कहानी भेजें, हम तस्वीर के साथ उसकी कहानी व्यंग करेंगे और आपको एक गिफ्ट अवश्य देंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।